आज भारत टीवी में आप सबका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया गया है लॉकडाउन। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। अब प्रदेश में 7 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा यानी लॉकडाउन रहेगा। इस बार महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को लेकर मुख्यमंत्री ने कई छूट देने का ऐलान किया है। खासकर दुकानों को खोलने और व्यापारियों को लेकर बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 7 जून तक यानी अगले एक और सप्ताह तक पाबंदियां जारी रहेंगी, लेकिन दुकानों के खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है। दुकानें अब सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। वहीं दुकानों को खोलने के लिए ओड इवन फार्मूला अगले एक सप्ताह तक लागू रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र 30 जून तक बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त स्कूलों की छुट्टियां 15 जून तक बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा सीमित संख्या के साथ मॉल्स को भी खोलने की सरकार ने इजाज़त दे दी है। इसके लिए जिला उपायुक्त को इसके बारे में जानकारी देनी होगी और इस एक प्रकार से ऐप बनानी होगी जिसके जरिए लोग पहुंचने वालों को पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। आपको बता दें, प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान 2 मई को किया गया था जिसे 3 मई को लागू किया गया था, जिससे हरियाणा सरकार ने 3 बार बढ़ा चुकी है। हरियाणा में पहला लॉकडाउन 3 मई को सुबह 5 बजे से लेकर 10 मई सुबह 5 बजे तक लगाया गया था। इसके बाद दूसरा लॉकडाउन 10 मई से लेकर 17 मई तक लगाया गया था। तीसरा लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस बार लॉकडाउन का नाम बदल दिया गया था और इसे महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया था, जिसे 17 मई से लेकर 24 मई तक लागू किया गया था। लेकिन अब कोरोना के केसों में काफ़ी राहत मिलती दिखाई दे तो 24 मई से आगे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया था। आज फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।